हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी कोचिंग क्लासेस। सो वेलकम टू द फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। फिजिकल केमिस्ट्री की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। हम केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टडी करने से पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की थोड़ी इंट्रो ले लें। केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली आप रिएक्शन का रेट क्या होगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हो कि रिएक्टेंट कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कितने टाइम में, कितना रिएक्टेंट डीकम्पोज हो रहा है कितने टाइम में। दिस ऑल यू विल स्टडी इन द केमिकल काइनेटिक्स। बेसिक्स में आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ लेते हो, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। These complex reactions are of two types. One are the series reactions. Second one are the parallel reactions. In दोनों reaction में से भी जो हमें detail में study करनी है आज की class में, that are parallel reactions. कौन सा topic detail में study करना है? Parallel reactions. तो पहले समझ लेते हैं complex reaction होती क्या है। अब तक आपने पढ़ा होगा कि कोई reactant है, ये रिएक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ टू गिव द प्रोडक्ट सी, ओके, ठीक है। या फिर कोई सिंगल रिएक्टेंट है, डीकम्पोज हो रहा है बी प्लस सी, इस तरीके से कुछ पढ़ते हो, है ना। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम दो स्पेशल कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हैं, वन आर द सीरीज रिएक्शन, सेकेंड वन आर द पैरेलल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज रिएक्शन से। सीरीज रिएक्शन क्या होती है? सीरीज या फिर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस। मान लो कोई रिएक्टेंट है ए, इट इज गिविंग यू प्रोडक्ट बी, और इस टाइम पे, इस रिएक्शन के टाइम पे यू आर हैविंग रेट कांस्टेंट के वन, ओके। देन ये बी डीकम्पोज हो रहा है टू गिव यू सी, एंड इस टाइम पे जो आपके पास रेट कांस्टेंट है दैट इज के टू। क्या किया? मेरे पास एक रिएक्टेंट था ए, उसने डीकम्पोज किया और फर्दर आपको क्या मिल गया? बी। एंड इस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का दैट इज के वन, और उसे बी के आगे फर्दर रिएक्शन हो रही है, वो किसी और में रिएक्ट कर रहा है टू गिव सी, और इस टाइम पे रेट कांस्टेंट है के टू, एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस जब होती हैं, एक रिएक्टेंट से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एंड सो ऑन, उस वाली रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो? सीरीज या फिर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस। नेक्स्ट आती है पैरेलल रिएक्शंस, जिसे मेरे को पढ़ना है डिटेल में। पैरेलल रिएक्शंस में, सीरीज में क्या होता है? एक से स्टार्ट किया, आगे की आगे सीरीज चलती जाती है। पैरेलल में एक से स्टार्ट करोगे, साइमल्टेनियसली दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल। लाइक ये एंड ये, ए रिएक्टेंट है आपके पास, इससे कोई प्रोडक्ट बी भी बन सकता है विद द रेट कांस्टेंट के वन, और इससे कोई प्रोडक्ट सी भी बन सकता है विद द रेट कांस्टेंट के टू। तो कैसे कैसे हुआ ये, कैसे है ये? क्या है पैरेलल रिएक्शंस, इसको अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो हियर आर पैरेलल रिएक्शंस। मैंने कहा ए, लेट अस से मैंने कोई रिएक्टेंट लिया ए, इट इज गिविंग यू द प्रोडक्ट बी, ये आपको कोई प्रोडक्ट बी बन दे रहा है, कोई मैकेनिज्म प्रॉपर फॉलो हो रहा है जिसके लिए रेट कांस्टेंट है K1। एट द सेम टाइम ये कोई साइड रिएक्शन कर रहा है मान लो, या कोई दूसरा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है जिसकी हेल्प से रेट कांस्टेंट आ रहा है K2, एंड यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट सी। तो क्वेश्चन है, ए से बी भी बना, सी भी बना विद द डिफरेंट रेट कांस्टेंट एंड डिफरेंट पाथवेज, और आई विल से डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शंस। अब पैरेलल रिएक्शंस में अगर मैं बोलूंगी K1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K2, अगर ये मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन है, ये फास्ट होती है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट आ रहा है वो ज्यादा है, इट मींस बी इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बी। बट एट द सेम टाइम अगर ये सी, सी कैसे बनेगा? K2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K1, K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा है। अगर K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा है उस टाइम पे सी इज मेजर, अगर
ये वाला स्टेप फास्ट हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन मेजर बनेगी? सी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करनी है। इसका ऑर्डर फाइंड, मतलब लाइक रेट लॉ फाइंड करना है, डेरिवेशन एक्सप्लेन करनी है, तो करें वहां से स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट पैरेलल रिएक्शंस। अगेन आई एम टेकिंग द सेम, यू आर हैविंग अ रिएक्टेंट ए व्हिच इज गिविंग यू बी और सी विद डिफरेंट पाथवेज एंड रेट कॉन्स्टेंट के वन एंड के टू। लेट अस टेक एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इनिशियली इसके कंसंट्रेशन है ए नॉट, इनिशियली इसके कंसंट्रेशन है ए नॉट और इसकी क्या होगी? ऑब्वियसली जीरो। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, मैंने टाइम स्टार्ट ही नहीं किया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? आफ्टर सम टाइम लेट अस से कि जो ए नॉट है ये कुछ एक्स अमाउंट रिएक्ट कर गया, ए नॉट माइनस एक्स, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम टी, कि इसकी अमाउंट जो रह जाती है दैट इज ए नॉट माइनस एक्स, और ये कुछ फॉर्म हो गए, लेट अस से ये एक्स फॉर्म हो गया या फिर ये एक्स फॉर्म हो गया, जैसे भी ये अलग रेट कॉन्स्टेंट से, ये अलग रेट कॉन्स्टेंट से, तो इसके लिए मेरे को रेट लो कैसे लिखूंगी, कैसे रेट लिखा जाता है? व्हाट इज रेट? रेट इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई डिवाइडेड बाय टाइम, रेट लिखने का ये तरीका है ना, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पहले ए नॉट था, अब ए नॉट माइनस एक्स हो गया, तो कितनी कंसंट्रेशन कम हुई? एक्स dx by dt, या फिर मैं रेट कैसे लिख सकती थी? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनी, तो प्रोडक्ट भी कितना फॉर्म हो रहा है? x, तो dx by dt, तो एक तो रेट में ऐसे लिख सकती हूँ। इन द सेकेंड वे, अगर मेरे को रेट लॉ के फॉर्म में लिखना है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant. ऐसे भी लिखा जाता है ना, अगर मैं उस फॉर्म में रेट लिखूंगी तो मेरा रेट क्या आएगा? रेट इज इक्वल्स टू, अगर तो मान लो आपका ए वाला दिस फर्स्ट स्टेप फॉलो हो रहा है, बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस टाइम पे रेट क्या होगा? के वन ए नॉट माइनस एक्स, और अगर आपका सी प्रोडक्ट बन रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? के टू ए नॉट माइनस एक्स, क्योंकि ये पैरेलल रिएक्शन है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो इट विल बी प्लस के टू ए नॉट माइनस एक्स। तो बेसिकली मैंने क्या किया, रेट लिखने के मेरे पास दो तरीके थे, एक तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के डिवाइडेड बाय टाइम, एक वहां से रेट लिख लिया, सेकेंड लगाया रेट लो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अब दोनों को करूंगी मैं इक्वेट, तो यहां से आपके पास dx by dt इट इज इक्वल्स टू k1 a0 माइनस x प्लस k2 a0 माइनस x, ये बन के आ गया। अब करनी है क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले मेरे को करने पड़ेंगे इनके वेरिएबल सेपरेट। कैसे करूंगी? dx by dt, अगर आप यहां से देखो a नॉट माइनस x इज कांस्टेंट और ब्रैकेट में आ गया k1 प्लस k2, मैं क्या कर रही हूं? x वाले एक साइड पे वेरिएबल सेपरेशन हो रही है, t वाले एक साइड पे, तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन a नॉट माइनस x इज इक्वल्स टू k1 प्लस के टू डी टी। तो देख सकते हो आप, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे, टाइम वाली टर्म्स एक साइड पे, दिस इज नोन एज वेरिएबल सेपरेशन। अब ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट के लिए है, तो इसे ज्यादा अमाउंट में करने के लिए बट आई हैव टू डू इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी? इंटीग्रेशन। तो करें इंटीग्रेशन। ओके जी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाय ए नॉट माइनस एक्स के वन प्लस के टू डी टी।
तो कैसे होती है इसकी इंटीग्रेशन? अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स, क्या होती है इस टर्म की इंटीग्रेशन? इट विल बी लॉगरिथम ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो जो आपके पास ये टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, दैट इज ए नॉट माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इट विल बी लॉग ऑफ ए नॉट माइनस एक्स। पर माइनस एक्स है ना, तो साथ वाला माइनस, माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज माइनस वन, वो आएगा डिवाइड में, ठीक है? तो इसके इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? माइनस लॉगरिथम ऑफ ए नॉट माइनस एक्स। और जब सिंपल वन डीटी हो, इंटीग्रेशन में कुछ भी ना हो, सिंपल वन हो, तो इट विल बी सिंपल टी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, वन की ओनली टी। तो ये दो टर्म थी, इसके इंटीग्रेशन देख ली, और आपको पता है k1 k2 विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 k2 तो कांस्टेंट है, तो इट विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसके इंटीग्रेशन अभी की माइनस ऑफ log a नॉट माइनस एक्स, और साथ में k1 प्लस k2 एज इट इज एज अ कॉन्स्टेंट, और dt की इंटीग्रेशन दैट इज 1 dt की इंटीग्रेशन t, और प्लस में आएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। जब भी आप विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, इनडेफिनेट इंटेग्रल करते हो, साथ में आता है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यू हैव टू अप्लाई व्हाट? यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। निकालना है ना इसकी वैल्यू, तो व्हाट यू हैव टू अप्लाई? यू हैव टू अप्लाई क्या? बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो है, वैल्यूज पुट कर देती हूं, माइनस लॉग एक्स, क्या एक्स फॉर्म हुआ? नहीं, ए नॉट माइनस जीरो इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2, टाइम की वैल्यू जीरो प्लस आई। तो यहां से दिस पूरी टर्म तो जीरो हो गई, आई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? इट विल बी माइनस ऑफ लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू आई, आ गई आई की वैल्यू। अब इस आई की वैल्यू को उठा के यहां पे करना है सब्स्टिट्यूट, कर दे फिर सब्स्टिट्यूट, तो इट विल बी माइनस लॉग ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 टी प्लस आई आ रहा था ना, आई की जगह पे मेरे को ये रेट कॉन्स्टेंट सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस ऑफ लॉग ए नॉट, ये आ गया, ठीक है, हो गया। अब क्या कर देना है, वो माइनस का था, इधर ले आती हूं प्लस का करने के लिए, इट विल बी माइनस ऑफ लॉग ए नॉट माइनस एक्स प्लस ऑफ, ये उधर टर्म माइनस में थी, इधर ले आई, तो प्लस ऑफ लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 टी। नाउ लॉग में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लॉग में दो टर्म्स लेते हो माइनस में, लॉग ए माइनस लॉग बी, इट विल बी इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी। अगर आप लॉग में दो टर्म्स माइनस में लेते हो तो इट विल बी लॉग ए अपॉन बी। तो ये टर्म प्लस में पड़ी है, ये टर्म माइनस में पड़ी है ना, तो अगर लॉग में टर्म माइनस में, रेसिप्रोकल में चली जाएंगी डिवाइड में, तो इट विल बी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 टी। तो यहां से मेरे पास ये क्या बन गया, दिस इज द रेट लॉ फॉर पैरेलल रिएक्शंस, ये क्या बन गया, रेट लॉ। अब अगर मेरे को कैलकुलेट करना है इसमें से टाइम, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगी, k1 प्लस k2 कैलकुलेट करना है उस अकॉर्डिंग, तो इट विल बी
time is equals to 1 upon k1 plus k2. And further, if you want to convert this natural log into log base 2 power 10, तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई इट बाय 2.303 लॉग बेस टू पावर 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये बन गया आपके लिए टाइम के लिए एक्सप्रेशन. तो दिस इज द रेट लॉ फॉर पैरेलल रिएक्शंस. अब व्हाट इज द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट हाफ लाइफ टाइम. अब मेरे को यहां से हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू निकालनी है. व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन. जब आपका ये ए नॉट हाफ डिकम्पोज हो जाए, दैट इज एक्स की वैल्यू ए नॉट बाय टू हो जाए, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, उस टाइम आप टाइम को क्या बोलते हो, टी हाफ. तो टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो टी हाफ की वैल्यू कैसे आएगी, टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k1 प्लस k2 log of a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x की जगह पे क्या सब्सिट्यूट करना है, a नॉट बाय 2. अब a नॉट माइनस a नॉट बाय 2 इस टर्म को मैं सेपरेटली यहां पे सॉल्व कर लेती हूं. इट इज log of a नॉट अपॉन a नॉट माइनस हाफ a नॉट, है ना, a नॉट आई एम टेकिंग कॉमन, इट विल बी 1 माइनस हाफ. तो 1 माइनस हाफ क्या होता है आप लोगों के पास, हाफ. तो इट विल बी log a नॉट बाय a नॉट इनटू हाफ. हाफ से हाफ a नॉट से a नॉट कैंसिल एंड दिस विल गो अपसाइड, इट विल बी log 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2, इट इज 0.3010. और जब मैं इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, यू विल गेट t हाफ is equals to 2.303.3010 divided by k1 plus k2. तो t half आप लोगों के पास आ गया 0.693 divided by k1 plus k2. This is the concept. ठीक है, t half आप लोगों के पास क्या आ गया, 0.693 divided by k1 प्लस के टू. अगर आप याद करोगे ना, क्योंकि एग्जाम के लिए डेरिवेशन इज द अलग सेपरेट थिंग, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे. अगर न्यूमेरिकल जाते हो तो पहले हम डेरिवेशन डिराइव करने तो नहीं बैठ सकते, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो अलग बात है. अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन लर्न करने नहीं बैठ सकते. तो व्हाट इज द ट्रिक, अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका टी का क्या फॉर्मूला आता होता था, टी हाफ का इट इज 0.693 बाय के. ये बिल्कुल सेम है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, 0.693 ब्रैकेट में नीचे क्या आ गया, k1 प्लस k2, k की जगह पे क्या आ गया, k1 प्लस k2. तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ लाइफ टाइम. नाउ कमिंग टू इट्स ग्राफिकल पोर्शन. अगर मेरे को इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो कैसे करूंगी, ठीक है, ग्राफ्स. सो ग्राफ के लिए ऑन द एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग टाइम एंड ऑन द वाई एक्सिस आई एम टेकिंग कंसंट्रेशन, दैट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. या फिर मैं ए भी ना लिख के सिंपल कंसंट्रेशन लिख देती हूं. तो ए रिएक्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की थी, ये टाइम के साथ कम ही होती जा रही है, कम ही होती जा रही है, कम ही होती जा रही है. तो ऐसा ग्राफ बन गया एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कर्व. अब आप लोग पूछोगे एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कैसे, वैसे तो मैं आगे जाके इसकी डेरिवेशन भी देने वाली हूं कि ए की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में आएगी, ठीक है, ऐसे डिके होती है. या फिर अभी मैं आपको एक और तरीका बता देती हूं. जैसे मैंने हाफ लाइफ को कंपेयर किया फर्स्ट लाइफ से, है ना, फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन से, सिमिलरली ये सारे फर्स्ट ऑर्डर टाइप ही आते हैं सारे के सारे. तो
इसको भी अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर टाइप करूंगी तो एक्सपोनेंशियल डिके का। फिर आते हैं बी और सी। बी और सी दोनों क्या है? प्रोडक्ट्स। अब अगर तो के वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ के टू, तो विच इज मेजर प्रोडक्ट? बी। तो बी होगा मेजर प्रोडक्ट, तो ये आई बी की कर्व जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, और दूसरी आई सी की कर्व। बी ऊपर क्यों, सी नीचे क्यों? क्योंकि के वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ के टू। बट अगर यही कर्व में मैं सेम कंडीशन ले लूं, कंसंट्रेशन हियर टाइम हियर, ए तो अगेन ए की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही होगी, उसका कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। बात आती है बी की। अगर के टू ग्रेटर हुआ के वन से तो सी मेजर प्रोडक्ट है, तो सी वाली कर्व अपसाइड और बी वाली कर्व डाउनसाइड। तो दीज टू आर द कर्व्स। पहला क्या था, अगर के वन के टू से बड़ा है तो बी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू सी, बी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और सेकेंड वाली में अगर के टू इज ग्रेटर देन के वन तो सी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बी से, और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये थे ग्राफ्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिराइव करने वाले हैं ए बी या सी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी एट एनी टाइम टी, यानी कि रिएक्टेंट कितना डीकंपोज हो गया या प्रोडक्ट कितने बन गए, वो करेंगे अब।